स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए कैसे ट्रेड करना है आज बाजार? फिलहाल अगर आप देखें तो निफ्टी में है बढ़त 44-45 अंकों की, सेंसेक्स 134 अंकों पर, निफ्टी बैंक में भी 200 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिल रही है और ब्रोडर मार्केट्स के आंकड़े हमने बताए थे। पिछले हफ्ते भी सर आपसे बात हुई थी, तब आपने बताया था कि तेजी का व्यू ही रखना चाहिए और वहां से अगर आप देखें तो अब तक एक हफ्ते बाद से एक्शन काफी बढ़िया देखने को मिला, खासतौर पर अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक पर। आज पिछले हफ्ते से जब हमने बात की और आज आप हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी में बदलाव है सिद्धार्थ जी? क्या भी है बाजार पर? जी जी नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज के सेशन में हमने कोई बहुत बड़ी मूव तो निफ्टी में बनती हुई नहीं देखी है, बट पिछले एक दो सेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आ रही है आशीष जी। वो ये आशीष जी कि निफ्टी जब भी थोड़ा सा ऊपर के लेवल से गिरने की कोशिश करता है तो करीब 18,500-18,450 की रेंज में बहुत जबरदस्त सपोर्ट निफ्टी को मिलता है एंड वहां से बार बार इंडेक्स अच्छे से टर्न अराउंड करने की कोशिश भी करता है आशीष जी। तो मुझे लगता है आशीष जी कि जब तक निफ्टी 18,500-18,450 के सपोर्ट को स्पॉट के लेवल्स में बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है तब तक हमें अपना व्यू बिल्कुल बुलिश रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आशीष जी नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि निफ्टी हमें 18,650-18,700 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। इसलिए एक जून की एक्सपायरी में, वीकली एक्सपायरी में आशीष जी मैं एक कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड लेना चाहता हूं। ये हमें 18,600 के कॉल ऑप्शन को बाय करना है आशीष जी। इसका प्रीमियम करीब 75 रुपीज के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 40 रुपीज पर एंड हमारे टारगेट होंगे 130 एंड 150 तक के। 150 तक के टारगेट्स है, पहला टारगेट 130 का, स्टॉप लॉस 40, 75 रुपए की कॉस्ट है, 18,600 की कॉल ऑप्शन यहां पर आपको करनी है। खरीदारी बाजार में तेजी है और ऐसे में पोटेंशियल है 18,700 तक के आंकड़े को टेस्ट करने की, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आपको करनी है तेजी। रिपीट कर देता हूं, 75 की कॉस्ट, स्टॉप लॉस 40 का, 150 और 130, ये दो टारगेट्स के लिए आपको व्यू बनाकर चला होगा। निफ्टी बैंक यहां पर क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक तक आशीष जी बैंक निफ्टी के लिए 43,600 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन इस वीक ये सपोर्ट 43,800 के पास बैंक निफ्टी ने सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया। इसका मतलब है कि लगातार बैंक निफ्टी में सपोर्ट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं आशीष जी, जिसकी वजह से मोमेंटम कंसिस्टेंटली बैंक निफ्टी के अंदर मजबूत दिखाई देता है एंड स्पेशली जिस तरह से मैं कुछ पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स के स्ट्रक्चर बनते हुए देख रहा हूं आशीष जी, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में भी बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ हमें और ही बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। इसलिए बैंक निफ्टी में भी हमें कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है आशीष जी। ये कॉल ऑप्शन 44,200 का कॉल ऑप्शन हमें बाय करना है 1 जून की वीकली एक्सपायरी में। इसका प्रीमियम करीब 206-207 रुपीज के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 160 का एंड हमारे टारगेट होंगे 290 एंड 320 तक के। 290-320 तक के टारगेट्स हैं 1 जून की, माफ कीजिएगा आपकी एक्सपायरी कौन सी, 28 जून की? 8 जून की जो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी 8 जून की जो एक्सपायरी है यहाँ पर आपको रखना है फोकस। 44,200 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको 160 का स्टॉप लॉस लगाना है, 290-320 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी निफ्टी बैंक व्यू काफी साफ है, क्लियर है कि तेजी करके ही जाना चाहिए यहाँ पर। और स्टॉक्स में दोनों आइडिया खरीदारी वाले? जी बिल्कुल आशीष जी, दोनों ही आइडिया खरीदारी के हैं। पहला इंपैक्ट एक पीएसयू बैंकिंग काउंटर है, यह स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक आशीष जी, और इस स्टॉक ने आज एक बहुत ही सुंदर हमें ब्रेकआउट करीब 310-311 के लेवल्स के ऊपर का दिखाया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है आशीष जी कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस के अंदर कैनरा बैंक नेक्स्ट वीक में एक लीडर बनकर उभर सकता है। तो कैनरा बैंक को हम बाय करके चल सकते हैं, करीब 314 रुपीज के आसपास में स्पॉट में इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 309 पर एंड हमारे टारगेट होंगे 325 एंड 330 तक के। सेकंड स्टॉक आशीष जी गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर देखिए आशीष जी लगातार पिछले 10-12 सेशन से हम बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं एंड आज के सेशन में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी दिखाया है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को भी हम बाय करके चल सकते हैं। 1428 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1410 पर एंड हमारे टारगेट होंगे 1470 एंड 1490 तक के। 1470-1490 1470-1490 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर चार्ज भी काफी स्ट्रॉन्ग है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। साथ में पीएसयू बैंकिंग स्टॉक है कैनरा बैंक, जहां पर भी व्यू बनाना है आपको तेजी का और अच्छे खासे टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। काफी सुंदर ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिले स्टॉक्स पर, जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।